second power. इलेक्ट्रिकल पावर इस तरह से डिफाइन की जाती है कि ये वो एनर्जी है जो कोई भी बैटरी किसी भी सर्किट को पर यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र करती है, यानी कि जितनी भी एनर्जी किसी भी बैटरी की वजह से किसी भी सर्किट में जाती है तो उस एनर्जी को जितने टाइम में वो इस सर्किट के अंदर ट्रांसफ़र हुई है उसे इस सर्किट की इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक बल्ब है, इसे आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी की वजह से जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट अप होने के लिए जितनी देर में चाहिए है उसे इलेक्ट्रिकल पावर कह देते हैं, यानी कि जितनी एनर्जी इस बैटरी ने इस इलेक्ट्रिक बल्ब को दी है वो डेल्टा डब्ल्यू, और जितनी देर में दी है डेल्टा टी, तो इसे आप इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो डिफाइन किया जाता है कि ये एक ऐसा रेट है जिस रेट के अंदर जो है बैटरी आपकी बैटरी फ्राहम करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके अप्लाइंसेस को जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगे हुए हैं। और दूसरी बात आपको ये भी मालूम है कि अगर यहाँ पर अगर कोई कंडक्टर होता और इसे आप बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते तो आपको मालूम था कि जितने इसके अंदर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुँचते हैं और जितनी देर में पहुँचते हैं उसे हम लोग पोटेंशियल डिफेक्ट कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि ये इस सर्किट में से गुजरने वाला करंट है। यानी कि जितने कूलम इलेक्ट्रॉन जितने टाइम के अंदर इस नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल में आते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसे हम कहते हैं कि ये इस सर्किट का करंट है। और दूसरी बात हम लोग ये भी कहते हैं कि किसी एक कूलम चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन ऑन द चार्ज के इक्वल होता है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू जितना भी वर्क हमें करना पड़ा और जितने कूलम चार्ज पर इस बैटरी को करना पड़ा है इस सर्किट के अंदर से करंट को पास कराने के लिए, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये वो वर्क डन है जो उन कूलम चार्जेस पर किया गया है। फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, बैटरी ने इतनी कोशिश की, इतना काम किया और ये जो काम है उसने एक इलेक्ट्रॉन पर किया कि उसे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचाया जा सके ताकि इसके अंदर से करंट गुजरे। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो तो यही कहता है ना कि ये काम हुआ जो उसने एक यूनिट कूलम चार्ज पर किया। तो इसका मतलब है कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस वी को डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि हम डेल्टा डब्ल्यू को कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो प्रोडक्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था, इनटू डेल्टा क्यू जितने भी कूलम चार्जेस उस कंडक्टर के अंदर उस वक्त में मौजूद थे। तो इस तरीके से हमारा वर्क डन वी इंटू डेल्टा क्यू के इक्वल आ जाता है। दूसरी बात ये कि अभी हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिकल पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर वो रेट है जिसके दौरान जो है एनर्जी बैटरी ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को। इसका मतलब है डेल्टा डब्ल्यू की जगह पी इंटू डेल्टा क्यू लिख सकती हूँ और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अभी हम लोगों ने बात की है कि जो बैटरी जो एक कंडक्टर है उसे अगर हम बैटरी से जोड़ दें तो जितने कूलम चार्जेस जितनी देर में नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल तक आते हैं उनकी रेशो को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक करंट है तो मुझे डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी की जगह यहाँ पर डब्ल्यू लिख देना चाहिए जो कि वर्क को रिप्रेजेंट करे, जो कि आई को रिप्रेजेंट करे, सॉरी यहाँ पर आई लिखना चाहिए ना, चूँकि ये हमारा करंट है जो कि कूलम चार्जेस के लिए है, यानी कि हमारा वो करंट जिसकी वजह से कूलम चार्जेस कुछ देर के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं तभी हमारे सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट गुजर सकता है। इसका मतलब है डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को हम लोग आई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो पावर है इलेक्ट्रिकल पावर उसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैंने पहले वी इंटू डेल्टा क्यू लिखा था तो अब मैं वी इंटू आई लिख सकती हूँ क्योंकि डेल्टा टी का जो फैक्टर है वो भी डेल्टा क्यू के साथ ही सॉल्व हो गया इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो हमारे पास जो पावर है वो वी इंटू आई के इक्वल आई है। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक सर्किट है जिसकी ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसे जो है हम लोगों ने यहाँ पर एक वोल्टमीटर इस तरीके से एक वोल्टमीटर लगा दिया है ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट के अंदर से पास हो रहा है। और इसी सर्किट के साथ ही हम लोगों ने जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस के आगे वोल्टमीटर के आगे एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दी है, एक रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर लगा दी है
जो कि मैंने इस फॉर्म में लगाई है, लेकिन ये हमारी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब लगाओ, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर भी रेजिस्टिव पावर्स होती है जो कि उसके फिलामेंट की फॉर्म में होती है। फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर लगा दी है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल पावर इस बैटरी की वजह से इस पूरे सर्किट में होगी वो पूरी की पूरी ही कंजर्व नहीं रहेगी, बल्कि उस पावर में से काफ़ी हिस्सा या थोड़ा हिस्सा इस रेजिस्टेंस की वजह से डिसिपेट हो जाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस है और इसकी पावर जो है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है, ये जो है वो मज़ाहमत पैदा करता है, करंट को पास नहीं होने देता, और डिफरेंट कंडक्टर्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की हिंड्रेंस वगैरह की वजह से रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जितनी इलेक्ट्रिकल पावर इस सर्किट में प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी कंजर्व नहीं रहती, वो कुछ ना कुछ डेसीपेट होती है, और डेसीपेट सिर्फ इस रेजिस्टेंस आर की वजह से डेसीपेट होती है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वजह से डेसीपेशन का फॉर्मूला निकालूँ इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास वी इंटू आई है। अगर मैं ओम्स लॉ यूज़ करूँ, ओम्स लॉ कहता है कि वी इज़ इक्वल टू आई आर है। अगर मैं वी के लिए फार्मूला निकालूँ तो ये आई इंटू आर के इक्वल है, क्यों ना इसे इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये मेरे पास आई आर इंटू आई आ जाएगा, जो कि आई स्केयर इंटू आर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लोग आर फैक्टर के फॉर्म में बदल सकते हैं, ताकि ये पता चलाया जा सके कि इस सर्किट के अंदर कितनी पावर डेसिपेशन हुई है। इसके अलावा अगर इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैं करंट की वैल्यू निकालूँ तो वो वी बाय आर होगी। अगर यहाँ पर V बाय R का होल स्केयर पुट कर लिया जाए इंटू R, तो यहाँ पर जो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है वो V स्केयर डिवाइडेड बाय R स्केयर इंटू R आ जाता है। एक ये वाला R इसकी एक R से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास अब जो पावर का फॉर्मूला है वो तकरीबन इस तरह से आ जाता है कि ये V स्केयर डिवाइडेड बाय R की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने पावर डिसिपेशन मालूम करनी थी। पावर डिसिपेशन का जो बेसिकली इसका रिलेशनशिप है वो हमारे रेजिस्टेंस आर के साथ होता है। जो हमारी पावर है इलेक्ट्रिकल पावर, वो इन्वर्सली रिलेटेड है हमारे रेजिस्टेंस के साथ। जब भी हमारे सर्किट की पावर कम निकले तो इसका मतलब है कि इस सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इस्तेमाल हो रही है। फर्ज कर लीजिए कि आपके पास दो केसेस हैं, और दूसरी बात ये कि इसका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है पावर वोल्टेज के जो है स्केल के साथ। अगर आपके पास दो केसेस हैं कि एक में पावर आपके पास है 500 वॉट और दूसरे में आपके पास पावर है 100 वॉट, और दोनों में जो वोल्टेज है वो सेम है 220 वोल्ट्स, यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। जाहिर सी बात आपको मालूम है कि जब आपने दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप निकालना हो तो थर्ड फैक्टर को कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, दोनों केसेस में पावर जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब है कि पावर यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ रिलेट कर रही है। पावर का हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, यहाँ भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पर पावर ज़्यादा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस हर हाल में कम होगी। यहाँ पर जो है पावर हमारे पास कम हो गई है पहले की नस्बत, इसका मतलब है यहाँ पर रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए सर्किट के अंदर डिसिपेट होने वाली पावर को भी निकाल सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस की वजह से डिसिपेट होती है। इलेक्ट्रिकल पावर को बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर की वजह से हमारे डिफरेंट अप्लाइंसेस, पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट वगैरह, डिफरेंट चीज़ें, हमारे लैपटॉप वगैरह जो हैं वो काम कर पाते हैं। पावर का जो यूनिट है, पावर का यूनिट जो है वो वॉट होता है, जिसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं या हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, वो जो रीडिंग हमें पावर की देता है, इलेक्ट्रिकल पावर की, वो किलो वाट आर में देता है। अगर मैं एक किलो वाट आर की बात करूँ तो जो एक किलो वाट आर है, ये मैं इसलिए समझाना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल बिल्स हैं जो वो किलो वाट आर की फॉर्म में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किलो वाट आर आखिर है क्या। 1 किलो वाट का मतलब होता है कि 1000 वाट, और जो आर है, एक आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। तो जब इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 × 5 जीरोज़ आ जाते हैं, और जो वॉट सेकेंड है इसका मतलब होता है कि ये जूल है, एक जूल के इक्वल है। तो यहाँ पर मेरे पास 36 × 10⁻¹⁰, अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो 10⁻¹⁵ आ जाएगा, जिसे मैं मज़ीद सही करके 3.6 × 10⁻⁶ जूल भी लिख सकती हूँ। और आपको मालूम है कि अगर 10⁻³ हो तो वो किलो होता है, अगर 10⁻⁴ आपके पास 6 आ जाए तो वो 10⁻⁶ आ जाए तो वो मेगा हो जाता है। इसका मतलब है ये मेगा जूल के इक्वल है।
1 kilowatt hour, इसका मतलब है आपके पास जो है 3.6 मेगा जूल के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे इस्तेमाल करते हुए अपने इलेक्ट्रिकल बिल्स वगैरह को कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी अमाउंट कितनी बनेगी। लेट्स से कि अगर आपको अपने बिल के बारे में मालूम करना है कि बिल की टोटल अमाउंट कितनी है, तो उसके लिए आपको यूज्ड यूनिट्स का पता होना चाहिए कि कितने यूनिट्स आपने पर मंथ इस्तेमाल किए हैं। यूज्ड यूनिट्स पर मंथ इंटू पर यूनिट प्राइस, एक यूनिट की जितनी कीमत है वो आपको पता होना चाहिए। लेट्स से कि आपने जो एक मंथ में यूनिट्स यूज़ किए हैं वो तकरीबन 200 यूनिट्स आपने यूज़ कर लिए हैं, 200 वाट्स आपने यूज़ कर लिए हैं, और जो पर यूनिट प्राइस है वो तकरीबन 1200 है, तो आपके पास जो अमाउंट है वो 2400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपके पास बिल कैलकुलेट हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपको अपने यूज्ड जो आपने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं उसी का ना पता हो, तो वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। लेट्स से कि आपके पास एक घर है, उस घर के अंदर जो है वो 100 वाट के 4 बल्ब चलते हैं, ठीक है, 100 वाट के 4 बल्ब हैं, और वो डेली उन पर जो टाइम है चलने का वो डेली 5 आवर्स है, डेली 5 आवर वो जो हैं चलते हैं। अगर आपको ये बताना हो कि उनकी अमाउंट कितनी, यानी कि उनका बिल कितना है, बिल पर मंथ आपने बताना हो कि एक मंथ का उनका बिल कितना होगा, तो आपने ये किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको जो है 4 बल्ब की पावर बताई गई है और उनका टाइम पीरियड बताया गया, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया। इसके अलावा ना पर यूनिट, हाँ ये भी लिख लीजिए कि पर यूनिट प्राइस, तकरीबन पर यूनिट प्राइस जो है वो 4 रुपीज़ है, पर यूनिट प्राइस 4 रुपीज़। अगर आपको ये भी बता दिया जाए तो आप किस तरीके से बिल कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो ये कि इस सिचुएशन में आपको यूज्ड यूनिट्स दिए ही नहीं गए, तो सबसे पहले आपको निकालने हैं यूज्ड यूनिट्स, यानी कि वो यूनिट्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं पूरे महीने के अंदर। यूज्ड यूनिट किस तरीके से निकलते हैं कि आपने जितना आपका टाइम इस्तेमाल किया, आपने जितना भी टाइम लिया है, आपने यूज्ड टाइम इनटू वाट, यानी कि जो आपके वाट की वाट जितने वाट की विच अप्लाइंसेस थी जो आपने डेली यूज़ की हैं वो, उनके प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से। अब इसे इस तरीके से देखिए कि यूज टाइम ये था कि आपने 4 बल्ब लिए, उनको डेली 5 आवर चलाया, तो डेली का मतलब ये है कि एक महीने के अंदर 30 दिन है, तो 30 दिन मुसलसल 5 घंटे आपके 4 बल्ब चलते रहे, और हर बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट है, इसे डिवाइड कर दीजिए 1000 से। तो इस तरीके से आपके पास जो यूज्ड यूनिट हैं, जी आपके पास जो यूज्ड यूनिट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे 16 किलोवाट आवर, इस तरीके से। तो अब आपके पास यूनिट्स आ गए हैं, और इसीलिए मैंने आपको किलोवाट आवर का कंसेप्ट समझाया था, क्योंकि हमारे पास बेसिकली यूनिट्स जो है वो किलोवाट आवर में दिए गए होते हैं। वो इसलिए दिए गए होते हैं कि हमारा जो बिजली का मीटर होता है, जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, वो मैयर भी किलोवाट आवर में करता है। अब अगर आपको टोटल बिल की अमाउंट मालूम करनी हो, बिल अमाउंट चाहिए आपको, तो उसके लिए आप ये करेंगे कि जितनी आपके पास प्राइस आई है, यानी कि आपके पास पर यूनिट प्राइस ये थी, पर यूनिट प्राइस आपके पास क्या थी जी, 4 रुपीज़, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है जितने यूज्ड आपने यूनिट्स किए हैं। यूज्ड यूनिट हमारे पास नहीं थे, जो कि हमने निकाल लिए, जो कि हमारे पास 16 आए, तो अब जो 60 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो अब हमारे पास 240 जो है रुपीज़ बिल आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके एक महीने का बिल 240 रुपये है, अगर आप सिर्फ 4 पंखे चलाते हैं और 5 घंटे सिर्फ चलाते हैं पूरे दिन के, पूरे महीने के अंदर 5-5 घंटे चला रहे हैं, यानी कि हर रोज़ पाँच घंटे, तो पूरे महीने के अंदर आप 5 घंटे चलाते हैं 4 बल्बों को, जिनकी पावर जो है वो 100 वाट है, तो उस तरीके से आपके पास यूज यूनिट जो है वो 60 निकल आते हैं, और पर यूनिट 4 रुपये कीमत है, तो आपके पास जो बिल है वो 240 रुपये निकल आता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल पावर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह की पावर कैलकुलेट करने के लिए, और बेसिकली बिल वगैरह कैलकुलेट करने के लिए।